वजीर आजम ने हर फोरम पर मसला कश्मीर उठाया। आज आलमी दुनिया मोदी को सेकुलर रहनुमा कहने के बजाय हिंदू इंतहा पसंद के तौर पर जानती है। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सोरी की मीडिया टॉक, कहते हैं भारत मुतनाजिया बिल लाकर शहरियों से बदतरीन तशद्दुद कर रहा है। नसीरुद्दीन शाह ने भी कहा, 70 साल से भारत में रहकर अजनबी महसूस कर रहा हूँ। और हमें भी सबको कहा, मैं भी गया पूरी दुनिया में, हर जगह कश्मीर का मसला हम सब ने उठाया है। आज आलमी दुनिया मोदी को जो हिंदूइज्म और हिंदुआना सोच वाला एक लीडर समझ रही है, ना कि एक सेकुलर मुल्क का सरबरा। और जिस तरह हिंदुस्तान ने वहाँ पे जो है वो शरीयत एक्ट तब्दील किया, वहाँ पे मुसलमानों का जीना हराम हुआ हुआ है, आपने नसीरुद्दीन शाह जो एक मायानाज फनकार है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि 70 साल के बाद आज मुझे महसूस हो रहा है कि मैं यहाँ पे एक अजनबी हूँ इस हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में कश्मीर का मसला उठाया है। इंशाल्लाह कश्मीर जो है वो आज़ाद होगा। और